जी नमस्कार, सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। आज बहुत ही बड़ा डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का और बहुत अच्छी बात है। चार पांच साल लग गए इस डिसीजन में आने में। उस बच्ची का तो वापस जन्म भी हो गया होगा किसी भी दुनिया के किसी कोने में, मगर एक बात आप लोगों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है हिन्दुस्तान में कि आतंकवादी को अगर आप फांसी की सजा देंगे तो आतंकवाद इससे बंद नहीं हुआ है। इसी तरह अगर किसी रेपिस्ट को आप अगर सजाए मौत दे देंगे तो इससे रेप भी बंद नहीं होंगे। प्रॉब्लम समाज में है, सारी जड़ समाज में है। मैं कुछ आप लोगों को वाक्य बता देता हूं मेरे अपना एक्सपीरियंस का। मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला हुआ है और मेरा आधे घंटे का इंटरव्यू भी है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, ईटीवी पे है। एनीवे, आज से तीन चार साल पहले मैंने जंतर मंतर पे, मैं था इसके अंदर, रमनीत मुखर्जी थी हमारे साथ, और हम लोगों ने रेप विक्टिम्स को, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि रेप विक्टिम्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं आनी चाहिए सामने, मगर किसी तरह हम लोगों ने निकाल ली थी। 50 रेप विक्टिम को हम लोग लेके जंतर मंतर में बैठे थे। उससे एक रात पहले हम लोगों ने उन 50 जो रेप विक्टिम्स को किस तरह बचा के रखा था मीडिया की नजरों से, और हम लोग कर पाए थे। उसके अंदर बच्ची भी थी एक, जिसका 11 दिन पहले रेप हुआ था, जो कि आप समझिए 9-10 साल की होगी। उससे बैठा भी नहीं जा रहा था, उस टाइम उसकी ब्लीडिंग भी हो रही थी। हमने 1,00,000 टेक्स्ट मैसेज भेजे थे दिल्ली की आवाम को कि इनसे आके आप लोग इनसे मिलिए, जब तक समाज नहीं जुड़ेगा इनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। क्योंकि जो लोग बुद्धिजीवी आज की तारीख में रेप के लिए बोल रहे हैं कैसे रुका जाए, उनका कभी रेप नहीं हुआ है, उन्होंने कभी रेप विक्टिम्स के साथ इस तरह काम नहीं किया है, तो उन लोगों से इसका समाधान निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। दूसरा, मैं आपको बताता हूं, इंडिया में जो फ्री सेवाएं चल रही हैं जैसे व्हाट्सएप, मैं जानता हूं इस बात को, हिंदुस्तान के जो अलीट है ना, अमीर लोग, वो इस पे ब्लू फिल्म की, जिसको पॉर्न कहते हैं, पोर्नोग्राफी की क्लिप्स भेजते हैं। गैर जिम्मेदाराना इनकी हरकतें हैं, बहुत सारी क्लिपें इधर उधर जाती है, इन लोगों को ये आइडिया नहीं है ये क्लिप एंड में जाके किसके पास पहुंचती है। अब आप मुझे एक चीज बताएं, अगर एक क्लिप है, एक बेचारा गांव में बच्चा है, वो रात को सो रहा है अपनी, वहां पे उसके उसके पास भी व्हाट्सएप है, डिजिटल हो रहा है इंडिया, तो किस लिए हो रहा है आप देखते जाइए। अब उसके पास क्लिपें आती है एक पॉर्न क्लिप की, तो ऑब्वियसली जो 15-16-17 साल का लड़का है उसके अंदर ऐसी भावना आ जाती है कि उससे बलात्कार हो जाता है। ठीक बात है। कई गांव में आप लोगों ने पहले सुना होगा, कई गांव में प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी किसी जमाने में। हम जब जयपुर से अजमेर जाते थे, एक अजमेर में एक जगह आती थी, एक गांव आता था, वहां पे किसी जमाने में प्रोस्टिट्यूशन हुआ करता था। फिर बिल्डरों ने वो जमीन खरीद ली, हत्या ली और उनको वहां से भगा दिया। आई थिंक सो नाउ इंडिया शुड लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन ऑल ओवर। द रीजन इज वेरी सिंपल, और ऐसा नहीं है इंडिया में लीगली नहीं है। बंबई का जो डायमंड मार्केट है उसके पास में एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का पूरा प्रोस्टिट्यूशन चलता है उसमें आज से नहीं, कम से कम 30-40 साल से। दिल्ली के अंदर जीबी रोड है, उसके अंदर पूरा प्रोस्टिट्यूशन चलता है। देखिए, हिंदुस्तान को वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। अगर आप लोग वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। और ये जो स्ट्रेटा है, जो समाज का जो ये जो है, जो जिस समाज से आते हैं, ये बहुत लो इनकम ग्रुप के लड़के हैं जो रेप करते हैं। और दूसरा, मैं आप लोगों को एक चीज ये बता दूं कि सेक्स ऑफेंडर्स की लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट पोर्टल पे क्लियरली लिखनी चाहिए, उनकी फोटोग्राफ्स और उनका सब कुछ आना चाहिए। जैसे अमेरिका में आपको बताया जाता हूं, अगर आप कहीं भी अपना घर खरीदेंगे तो आपके साथ जब आपकी रजिस्ट्री होती है उसके साथ में एक पेपर आता है, उस पेपर के अंदर अगर आपके घर के आसपास कोई सेक्स ऑफेंडर रह रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। सुजैत, आप थोड़ा ध्यान रखें, यहां पे इस तरह नहीं होता है कि किसी का रेप हुआ है तो उसको हटा दे, उसको समाज से निकाल दे। एसिड अटैक विक्टिम्स बॉम्बे के एक इवेंट में हमारे पास आई थी और उन्होंने बताया था कि कैसे उनको निकाल दिया गया नौकरी से। एसिड अटैक विक्टिम्स का एक फंड है जो गवर्नमेंट देती है इन लोगों की, इन लोगों को ठीक करने के लिए, इनकी सर्जरीज के लिए 3-5 लाख रूपये, वो भी सरकार का पैसा जो है इन तक नहीं पहुंचता। ये जो मुझे बताया गया है वो फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। तो हर जगह करप्शन है, समाज के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, समाज बहुत ज्यादा भरोसा करता है राजनीति पे और राजनीति समाज का इस्तेमाल कर रही है। तो ये पूरा घूम फिर के चक्कर ये कभी रुकेगा नहीं। बलात्कार हिंदुस्तान में कभी रुक नहीं सकते, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जो एजुकेशन है वो ही नहीं है सही तरह की।
अब आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी जगह है सभ्य देश जहां पे गर्ल्स और बॉयज स्कूल अलग अलग होते हैं। मेरे को तो नहीं पता, अमेरिका में तो नहीं है कोई गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल अलग अलग। तो ये जितनी भी जेंडर की बातें आती है कि समानता नहीं है जेंडर में मेल फीमेल, ये अपन लोगों ने शुरू से स्टार्ट कर रखी है। इसमें ये क्या करेगी सरकार, स्कूल खोल देते हैं गर्ल्स स्कूल बॉय स्कूल खोल देते हैं, उनको पता ही नहीं लगता, बच्चे आपस में बड़े नहीं होते, उनको आइडिया नहीं होता, क्यूरियस हो जाते हैं। तो बहुत सारे इसमें चीजें हैं। तो मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी, मैं अभी एनडीटीवी में प्रोग्राम सुन रहा था जहां पे बुद्धिजीवी वृंदा ग्रोवर जैसे लोग बैठे हुए थे और भी केटीएसएस तुलसी साहब बैठे हुए थे जो वकील हैं। ये लोग जड़ तक नहीं पहुंच रहे हैं, ये लोग जड़ तक नहीं पहुंच रहे हैं कि जड़ है क्या रेप का। मुझे ये भी याद है कि जब जेल के अंदर राजेंद्र सिंह था तब मैंने बूंदी की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी कांग्रेस की, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे को किसी तरह तिहाड़ जेल में राजेंद्र सिंह के साथ एक घंटा छोड़ दिया जाए, मैं इसके दिमाग में घुसना चाहता हूं ये क्यों करा था इसने। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो इंसान है वो भी, मगर उनके अंदर एक तरह से दरिंदा घुस जाता है उस टाइम, ये दरिंदगी होती है। तो वो दरिंदा कब घुसा, कैसे घुसा, क्यों घुसा, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कैसी फैमिली से आ रहा था, क्या एजुकेशन थी, उसकी पास हिस्ट्री क्या थी, उसने एक साल तक क्या किया था जो उसने वो हरकत करी, क्या उसके दोस्त यार थे, वो लोग क्या कर रहे हैं आज की तारीख में, कई चीजें फैक्टर्स हैं। तभी आप किसी बलात्कारी के दिमाग में घुस के और बलात्कार का जो सोल्यूशन है वो ढूंढ सकते हैं। अगर आपको किसी भी बीमारी का सोल्यूशन देखना है तो आपको सही डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जो बीमारी की तह तक पहुंच सके। ये जो अभी हो रही है ना रेप के ऊपर, ये सारे कंपाउंडर है साहब, ये सारे कंपाउंडर है, इनको इंजेक्शन तक लगाना नहीं आता तभी बलात्कार नहीं रुकते हैं। दिल्ली के अंदर हर 6 मिनट में कितने बलात्कार होते हैं ये चेक कर लीजिएगा, DCW की साइट पर जाके देख लीजिएगा, NCW की साइट पर जाके देख लीजिएगा। 80,000 रेप के डिसीजन अभी इंडिया की कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है, 80,000। और मैं आपको गारंटी कर देता हूं ऐसे कितने ही रेप होते हैं समाज में जो बाहर ही नहीं आते, जिनकी FIR नहीं लगती, लोग बाग पुलिस से डरते हैं। एक और एक इंसिडेंट हुआ था, कभी और बताऊंगा, उस पर भी हम लोगों ने काम किया था। वो भी एक बहुत ही अजीबोगरीब कहानी थी वो दिल्ली की, उसके बारे में कभी और बताऊंगा। मगर आज की तारीख में आपको ये बता दूं कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए, जो भी बाप एक बेटी का बाप है वो अपनी बेटी का ध्यान रखे। आप हिंदुस्तान की जो जुडिशियल अपना जो भी है पूरा का पूरा, उस पर आप कभी भी नहीं हो इसके ऊपर कि आपको डिसीजन मिल जाएगा, गरीबों को डिसीजन नहीं मिलता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आज की तारीख में 25,000 रुपए लेते हैं, एक गरीब आदमी जो महीने का 5,000 रुपए कमाता है वो कोर्ट की हेयरिंग में पैसा कैसे देगा। गवर्नमेंट को वकील मुआयना कराना चाहिए इन लोगों को, कई ऐसे फैक्टर्स हैं। मैंने एक और कोशिश करी थी कि वकीलों की टीम बनाई जाए, इसमें मेरी बात हुई थी माजिद मेमन साहब से बॉम्बे में, महेश जेठमलानी साहब से, और सबने कहा था बहुत ही बढ़िया है आइडिया, अगर कोई ऐसा स्टेज बनाया जाए जहां पे गरीबों के वकील ये लोग लड़ेंगे, कपिल सिब्बल साहब और ये लोग तो सब लड़ते हैं करप्शन को बचाने के लिए, करप्ट लोगों को बचाने के लिए। कपिल सिब्बल साहब भी वही करते हैं, माजिद मेमन साहब भी वही करते हैं, महेश जेठमलानी साहब भी वही करते हैं, जितने बड़े वकील हैं इनका काम ही ये है, ये दुकानें बन चुकी हैं, कानून को बेचा जाता है। तो एक गरीब आदमी समझिए, मैं गरीब हूं, मेरे को अगर कपिल सिब्बल चाहिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये वकील गाड़ी में बैठते ही पहले 1,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए मांगते हैं, तब जाके ये आप रिप्रेजेंट करेंगे आपको कोर्ट में। तो कहां से आएगा 1-2 लाख रुपए, आदमी जो 5,000 रुपए महीना कमा रहा है, ऑटो रिक्शा वाला, सब्जी वाला, रेड़ी वाला, कहां से आएगा उसके बाद, समझिए। तो एक कंपल्शन करना चाहिए गवर्नमेंट को कि आपको इनके केसेस फ्री में फाइट करने पड़ेंगे, और जब फ्री में केस ये लोग फाइट करेंगे तो बाकायदा वो जो लड़की है वो जीतेगी, और जीतेगी, और जिसने रेप किया उसको सजा जल्द से जल्द मिलेगी। अभी सजा इसलिए लेट मिलती है क्योंकि वकील ही नहीं है, कोर्ट में जज ही नहीं बैठते हैं, कितने जज शॉर्ट है आपको भी पता है, जब जज ही नहीं बैठेगा तो डिसीजन आएगा नहीं। सो ऑन द होल ये सारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मगर मैं फिर एंड में कहता हूं कि आतंकवादी को गोली मारने से आतंकवाद कम नहीं हो सकता, और रेपिस्ट को सजाए मौत देने से रेप कभी बंद नहीं हो सकते। थैंक यू सो मच, शबा खैर।